अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासी आर्ट कुकिंग। आज बनाएंगे मेरा फेवरेट सैलड, जो कि इंशाल्लाह आपका भी फेवरेट हो जाएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हम कौन सी चीज़ें इसमें डालेंगे। सबसे पहले तो टमाटर हैं, जो मैंने बहुत बारीक से काट लिए हैं। इसके बाद एवोकाडो है, ये भी मैंने एक लिया है लार्ज साइज़ का, और इसको भी उसी तरह क्यूब्स में काट लिया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा काटा है। क्यूकम्बर है, इसको भी इस तरह काट लिया है छोटा। फिर धनिया है और प्याज हैं रेड वाले, उनको काट लिया है। अब इनको हम थोड़ा सा ऐसे में मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं एक जैसी हो जाएं, और फिर हम बनाएंगे अपनी ड्रेसिंग। तो सबसे पहले लेमन जूस लिया है, एक बड़े साइज़ का जो लेमन है उसको स्क्वीज़ कर लिया था। 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल लेना है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ले लें। और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, नॉट टीस्पून सॉरी टेबलस्पून हनी डालेंगे इसमें, और फिर हाफ टी स्पून क्रश पेपर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा साल्ट डालेंगे, साल्ट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ये पुदीना है और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है, तकरीबन 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर है। ये विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर ये लेके। तो सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करके अपनी ड्रेसिंग बनाएंगे। इस तरह से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर हम इसको जो सैलड है उस पर पोर कर देंगे, और फिर इसको जेंटली आपस में मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इसको आप रखें और फिर सर्विंग बाउल में डाल लें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, बहुत सिंपल बहुत हेल्दी सैलड है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ये बेस्ट लंच है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।